हमीरपुर कॉलेज के सिंथेटिक ट्रैक में बाल स्कूल हमीरपुर में चल रही 3 दिवसीय अंडर 19 लड़के व लड़कियों की राज्य स्तरीय एथलेटिक मीट व ताइक्वांडो चैंपियनशिप का समापन हो गया। एथलीट्स के तीसरे दिन हुए मुकाबलों में 5000 मीटर दौड़ में लड़कों में मंडी के प्रवीण ने स्वर्ण, कांगड़ा के सागर ने रजत और मंडी के चमन ने कांस्य पदक जीता। लड़कियों की 3000 मीटर दौड़ में मंडी की तमन्ना ने स्वर्ण, हमीरपुर की शिवाली ने रजत और कांगड़ा की नैन्सी ने कांस्य पदक जीता। 2000 मीटर दौड़ में हमीरपुर की शिवाली प्रथम, कांगड़ा की स्मृति द्वितीय और महक तीसरे स्थान पर रही। 4x100 मीटर रिले दौड़ में लड़कों में स्पोर्ट्स होस्टल ऊना और मंडी प्रथम, हमीरपुर द्वितीय और कांगड़ा तीसरे स्थान पर रहा। एथलेटिक्स में ओवरऑल लड़कियों में हमीरपुर जिला प्रथम और कांगड़ा दूसरे स्थान पर रहा, जबकि लड़कों में मंडी प्रथम और कांगड़ा द्वितीय स्थान पर रहा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के 11 जिलों के अतिरिक्त ऊना, बिलासपुर और धर्मशाला छात्रावास के 485 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ताइक्वांडो में महिला और पुरुष वर्ग में जिला हमीरपुर का दबदबा रहा। गर्ल्स अंडर 46 हमीरपुर की सृष्टि ठाकुर ने गोल्ड, सोलन की दीक्षा ने सिल्वर, जबकि सिरमौर की शिवानी ने और कांगड़ा की सलोनी ने कांस्य पदक जीते। अंडर 49 महिला वर्ग में हमीरपुर की शगुन ने गोल्ड, कुल्लू की चंद्रकला ने सिल्वर, जबकि सिरमौर की स्मृति और सोलन की दीपाली ने कांस्य पदक जीता। अंडर 42 में सोलन की यामिनी को गोल्ड, कांगड़ा की पलक को सिल्वर व सिरमौर की कृति और हमीरपुर की पायल को कांस्य मिला। लड़कों के अंडर 45 किलोग्राम वर्ग में हमीरपुर के आशुतोष ने गोल्ड, सोलन के अंशुल ने सिल्वर व कुल्लू के अमित और सिरमौर के सचिन को कांस्य पदक मिला। अंडर 73 में शिमला के आदित्य को गोल्ड, हमीरपुर के विक्रांत को सिल्वर व सिरमौर के अक्षम को कांस्य पदक मिला। ओवर 78 में हमीरपुर के अभिषेक को गोल्ड, कांगड़ा के आदित्य को सिल्वर व सोलन के करणप्रीत को कांस्य मिला। आपको इस बात के लिए भी बधाई है कि आप अपने अपने जिलों से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके चयनित होकर के यहां आए। ये जो इवेंट्स हैं, इसमें हार जीत का फैसला कुछ एक सेकंड के अंतर से होता है। तो जो बच्चे उन चंद सेकंड की वजह से पीछे रह गए हैं, उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। वो फिर कड़ी मेहनत करें और अगले वर्ष के लिए अपने आप को तैयार करें। और जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता होगी उसके लिए उनका चयन हुआ है, उनको मैं बधाई भी देता हूं और उनसे आग्रह भी करता हूं कि आप अपनी मेहनत जारी रखें, कड़ा परिश्रम करें। और हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारे जो छात्र हैं, उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर रहता है। इसके लिए जो खिलाड़ी छात्र हैं वो तो बधाई के पात्र हैं ही, लेकिन उनके साथ जो आप बच्चों को तैयार करते हैं, हमारे शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए लोग और शारीरिक शिक्षा से जुड़े हुए अधिकारीगण जिनका मार्गदर्शन रहता है, वो भी बधाई के पात्र हैं। शेख और मैं कांगड़ा जिले से हूँ। इसके बाद और मैं हमीरपुर में बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत सुंदर प्रस्तुति और सर और माता पिता को अच्छा चाहता हूँ के द्वारा जोरदार तालियों से राजमहज करवा के इस मुकाम तक पहुँचाया है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा और आगे इंडिया रिप्रेजेंट करूंगा। 200 मीटर करी, उसमें मेरा गोल्ड आया एंड
ऑल्सो मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपने कोचेस को, अपने पेरेंट्स को जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं. और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे बेस्ट एथलीट चुना गया, कि मैं जैसे परफॉर्म कर रही हूँ, जैसे प्रैक्टिस कर रही हूँ, वैसे और इन फ्यूचर भी ऐसे ही अच्छी करती रहूँगी. और आगे मैं चाहती हूँ कि मेरा अच्छा परफॉर्मेंस आए, मैं नेशनल मेडल लाना चाहती हूँ, अच्छी करूँ आगे फिर उससे.